हाय फ्रेंड्स, रिश्ता रसोई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और मैं आज एक बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली, जो झटपट से बन के तैयार हो जाती है और वो भी बिना गैस जलाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। तो ये 250 ग्राम काजू मैंने लिए हुए हैं और ये देखिए, ये बड़े बड़े टुकड़ों में हैं। अभी इनका मुझे पाउडर बनाना है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें सारे काजू डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम एकदम मशीन को अच्छे से चलाएंगे नहीं, थोड़ा बंद चालू करके इसे हम अच्छे से पीसेंगे। अगर आप एकदम चला करके पीसते हो तो फ्रेंड्स इसका ऑयल निकलने लगेगा, तो वो फिर इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और हमारी बर्फ़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप एकदम बंद चालू करके इसे धीरे धीरे पीसिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, पीस के छान लिया है मैंने अपने ये काजू के मिक्सर को। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम मिल्क पाउडर मिला देंगे। तो एक कटोरी में यहाँ पे दूध का पाउडर ले रही हूँ मैं, वो भी डाल देती हूँ इसमें। और मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार चीनी ले रही हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही आप लीजिएगा, आप कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हो, जितना भी आप उस हिसाब से लीजिएगा, वो भी मैं डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे एक चम्मच रोज़ वाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची पाउडर भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं अब यहाँ पर इसमें 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, दूध एकदम थोड़ा थोड़ा से ही डालिएगा, नहीं बहुत ज़्यादा मिक्सर आपका गीला हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से बना नहीं पाओगे इस मिठाई को। तो दूध एकदम थोड़ा थोड़ा सा ही यूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, 1 चम्मच मैं और अभी डाल रही हूँ। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से एक डो बना लेना है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्सर मेरा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। तो इसे भी हम डाल के अच्छे से इसका एक डो लगा लेंगे। तो इसको हम अच्छे से एकदम मसल के इसका एक डो बढ़िया सा लगा लेना है, चिकना सा। तो चलिए इसको मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डो को अच्छे से बना लिया है, ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है, पॉलीथीन को अच्छे से बिछा दिया है और अपने डो वाले मिक्सर को रखेंगे इस पर और थोड़ा सा हम फैलाएँगे और उसको भी हम अच्छे से एक दूसरे पन्नी से कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे अब हम अच्छा पतला बेल लेंगे, बेलन से अच्छे से बेल लेंगे इसे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है, तो आप जितना मोटा रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने इतना पतला रखा हुआ है। और इसमें अब मैं यहाँ पर मैंने चांदी का वर्क लिया हुआ है, तो वो मैं लगा दूँगी अपनी मिठाई पर ताकि हमारी मिठाई और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से चांदी का वर्क लगा दिया है, तो इसे अब हम पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बर्फ़ी को अच्छे से कट कर लिया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी काजू कतली, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। खाने का मन कर रहा है आपका भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी काजू कतली कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये काजू कतली बनाई है या ना नहीं बनाई है, अगर बनाई भी है तो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।